नमस्कार दोस्तों, रॉयल मोबाइल सर्विस ट्रेनिंग एंड सेंटर से मैं आपको एक कमाल का वीडियो बताने वाला हूँ। जैसे कि थर्मल कैमरा है मेरे पास, उसका मैं एक सैमसंग का बोर्ड है उसमें एक फॉल्ट फाइंड करके बताऊंगा। अभी यहाँ पे जो अपने टेक्निशियल हैं रंजीत सिंह, अभी फिलहाल वही काम कर रहे हैं। एक वीडियो आप थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। थर्मल ज़्यादा अपने रिपेयरिंग के लिए सपोर्टेड है। ये देखो, ये जैसे कि आईसी है वो थर्मल पर जैसे चेक कर रहे तो वो शॉर्टिंग फाइंड हो रहा है। आप देखिए जैसे ये रेड कलर में ब्लिंकिंग हो रहा है जैसे पावर देते तो। ये थर्मल जैसे अपने सपोर्ट के लिए बहुत काम का है, आप भी ले सकते हैं। ये हमारे टेक्निशियल गोपाल जी टीचर है जो स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं और करीबन काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। और हमारे पास जो सीखने वाले आते हैं उनके लिए व्यवस्थित सुविधा भी है, रहने के भी है। यहाँ पे अजय भाई करके हैं, स्टूडेंट हैं, वो करीबन महीना भर हुआ है उनको हमारे पास क्लास लिया है, तो अभी तक वो अच्छे लेवल पे पहुँच गए हैं। वो आगे जाके काम भी व्यवस्थित करेंगे। उनका कुछ सामान भी हमने ऑर्डर किया था तो आज आ चुका है, उनका सामान आ गया है। उनका कंप्लीट कोर्स हो गया है लेकिन उनको अभी हम 10 एक दिन और रखेंगे उनको, कुछ क्वेरी है तो वो भी हो जाए कम्प्लीटली। आपको भी कुछ ट्रेनिंग लेना है तो आप आ सकते हैं, बेझिझक। हमारा नंबर है जो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और गोपाल जी क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैडम आपको कुछ बोलना है क्या, बता दीजिए। इसके बाद आपको क्या जानकारी है? अभी आपको तो काफ़ी कम समय हुआ, 2-3 दिन हुए। हाँ ओके, गुड। जैसे आपको कुछ ट्रेनिंग का लेना है तो आप आ सकते हैं, हमारे पास सुविधा भी है। और बाकी सब स्टूडेंट थे हमारे पास, इस महीने में अभी हम 3-5 जनों को ही लेंगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट मंथ जो रहेगा आप बुक भी करवा सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल भी काम हम करवाते हैं, लाइव जो बोर्ड रहते हैं कस्टमर के, डीलर के भी आते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल रंजीत सिंह जी हैं जो बता रहे हार्डवेयर में नॉलेज, और स्मैटिंग में हमारे जगदीश भाई हैं वही बता रहे, ठीक है। स्मैटिक के बारे में नॉलेज उनको ज़्यादा है। और EMMC प्लस CPU डबल डेकर में वो गोपाल जी कर रहे हैं, ठीक है। हमारा नाइट में भी 2-3 घंटे बैच चलता है, जैसे कोई टाइम नहीं मिलता है शॉप बंद करके नहीं आ सकते तो वो नाइट में भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 बजे से लेके 1 बजे तक चालू रहता है। गोपाल जी आप कुछ जानकारी देना चाह रहे तो आप बता सकते हैं, ऐसे अपने पास कोई स्टूडेंट सीखने के लिए बाहर का। गोपाल जी मेरे को ये बताइए, आप अपने जैसे कि CPU के लिए कोई आता है बाहर से सीखने के लिए डबल डेकर में, आजकल जो ज़्यादा वही तकलीफ आ रही है फिलहाल, तो उसके बारे में कुछ मेरे को बताइए। तो अपने स्टूडेंट को सीखने के लिए CPU का काम सीखना है तो अपने पास आ सकते हैं जी। हाँ उसमें क्या है कुछ बताइए, क्या समय लगेगा, कैसे क्या काम है, मतलब उन वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि मतलब उसकी हैंड स्किल कैसी है जी, उसी हिसाब से CPU को काम कर सकता है, तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, और आईफोन के बारे में कुछ रहते हैं? अभी ज़्यादा प्रॉब्लम तो आती ही है। आईफोन एंड्रॉइड एक सेम ही है लेकिन वो उसका वर्जन अलग है, एंड्रॉइड है और इसका आईफोन आई उसके माध्यम से दिया हुआ है, बस इतना ही है। और जो रिपेयरिंग है उतनी टफ नहीं है। अच्छा अपने पास मतलब जो जितना सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने पास कोई स्टूडेंट आया तो उनको वो अपन कैसे काम सिखाएंगे, कैसे क्या है उसके बारे में? देखो अपन को कुछ तो उनको देना पड़ेगा ऐसे सीखने के लिए, अपने पास क्या है सुविधा भी है कैसे वो उनको हैंड स्किल सिखाएंगे ना। जी हैंड स्किल सिखाएंगे उनको। अच्छा तो मतलब किस हिसाब से कैसे काम करना है, किस टेम्परेचर पे किस IC को कैसे मतलब निकालना है, रिकॉल करना है जी, सब सीखेंगे। अच्छा और उसके बाद अपन उनको कस्टमर का जो भी मोबाइल आते हैं कोई डीलर भी लेके आते हैं तो उन पे क्या लाइव काम करवाएंगे आपके जी? अच्छा ये डबल डेकर में आजकल ज़्यादा ही मोबाइल आ रहे हैं, ठीक है, जो हैंग ऑन लोगो वगैरह, उसमें कैसे क्या है टाइमिंग कैसे रहते हैं?
वो तो टाइमिंग तो मेन हैंड स्किल पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, जो जितनी हैंड स्किल फास्ट होगी उतना ही काम ज्यादा होगा। अच्छा, जल्दी होगा। अपन उनको कितने दिन में सिखा सकते हैं, जैसे डबल डेकर का किसी को सीखना है भाई को, मतलब फ्रेशर है उनके लिए तो 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे। अच्छा, जैसे कुछ काम कर रहा है हार्डवेयर लेवल का, जैसे हार्डवेयर लेवल का काम किया हुआ है वो तो 3-5 दिन के अंदर वो सीपीयू रिपेयर कर सकता है। अच्छा ठीक जी, थैंक यू। हाँ, अभी अपने रंजीत सिंह जी हैं तो कुछ हार्डवेयर का काम कर रहे हैं। एक MI का एक मोबाइल है जो कई सारे शॉप पे आए, रिटर्न आया है, जिस नेटवर्क का कुछ इशू है। तो रंजीत सिंह, क्या कुछ आप बताना चाह रहे क्या? सर, ये मोबाइल 5-6 शॉप से रिटर्न आया हुआ है जी। ये इसका रेडियो का कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, रेडियो पा रहा है इसमें। ये बॉस जैसे WT आ रहे हैं, ये नेटवर्क ऐसी है और जो भी 4G वगैरह जो भी ऐसी है वो PM तक इन्होंने चेंज कर रखा है। अच्छा, आगे कोई फॉल्ट फाउंड नहीं हो रहा है। ओके, आगे मैं भी कर रहा हूँ अभी, जिसका अभी काम चल रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जी ये बताऊंगा, अभी मैं इसमें काम चालू है। अच्छा, मतलब डायग्नोस चालू है इसमें। जैसे कि आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कई सारे शॉप से वगैरह रिटर्न आया है और काम भी बहुत सारा किया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आएगा तो उसमें आप ये मोबाइल बना के बताओगे। जी, अभी इसमें नेटवर्क का ये इशू है। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो अभी तक यहाँ तक ही है, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा आपको बताएंगे। ठीक है।